रुडाली विद जीरो व्यूज एंड जीरो सब्सक्राइबर्स। फास्ट फॉरवर्ड 10 डेज और उस वीडियो के 10,000 व्यूज हो गए। अब जो बात इन 10,000 लोगों को नहीं पता वो ये है कि इस वीडियो का टाइटल मैंने नहीं बल्कि चैट जीपीटी ने लिखा है। सो इन दिस वीडियो आई विल गिव यू द 2-स्टेप फॉर्मूला जिससे तुम एआई के जरिए ऐसे टाइटल्स लिख सकते हो विच विल गेट यू मोर व्यूज। आधा काम तो स्टेप 1 में हो जाएगा बट स्टेप 2 देखोगे तो तुम्हारा ही फायदा है, सो उसे मिस मत करना। पर उससे पहले ये जानते हैं कि क्या चैट जीपीटी से टाइटल्स लिखने से तुम्हारे व्यूज सच में बढ़ सकते हैं। तो सुनो, मैं ये तो नहीं कह रहा कि मैंने बस वीडियो में अच्छी टाइटल लगा दी उसके वजह से मेरे 10,000 व्यूज आ गए, बिल्कुल नहीं। ऑफ कोर्स वीडियो का कंटेंट और थंबनेल भी अच्छा था तो सभी चीजें मैटर करती हैं। बट इनिशियली वीडियो का टाइटल था हाउ एल्गोरिथम इज बीटिंग द यूट्यूब एल्गोरिथम इन 4 स्टेप्स। अब ये टाइटल बुरा तो नहीं है बट अच्छा भी नहीं है, लाइक टाइटल पढ़कर ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं हो रही है। वहीं पे मैंने टाइटल लिखने के लिए जब इन 2 स्टेप्स का यूज किया तो मुझे मिले न्यू टाइटल विच वॉज हाउ एल्गो डोमिनेट्स यूट्यूब सीक्रेट टू बीट द यूट्यूब एल्गोरिथम। इस टाइटल में 2 पावर वर्ड्स हैं लाइक डोमिनेट्स एंड सीक्रेट जिसके वजह से टाइटल बहुत एक्साइटिंग लगता है। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि अगर मैं वीडियो में पहला वाला टाइटल यूज करता तो CTR सिग्निफिकेंटली लो होता। ऑफ कोर्स CTR कम होता तो व्यूज भी कम आते हैं। सो टाइटल्स डू मैटर अलॉट एंड या दे कैन गेट यू मोर व्यूज। सो लेट्स स्टार्ट विद स्टेप 1, जनरेटिंग अ रॉ टाइटल। इस स्टेप में बेसिकली तुम्हें चैट जीपीटी के वेबसाइट पर जाना है और वही साइन इन वगैरह कर लेना है। फिर तुम्हें चैट जीपीटी को एक्सप्लेन करना है कि तुम्हारी पूरी वीडियो किस बारे में है, फॉलोड बाय द फ्रेज सजेस्ट अ क्लिकेबल टाइटल फॉर दिस वीडियो। फॉर एग्जांपल, मान लो तुम एक वीडियो बना रहे हो जिसमें तुम अपनी स्टोरी बताओगे कि तुम्हारी लाइफ इंस्टाग्राम क्विट करने के बाद कितनी ज्यादा बदल गई। उस वीडियो से तुम अपने व्यूअर्स को इंस्पायर भी करना चाहते हो टू क्विट इंस्टाग्राम। तो अगर कोई एक्सपीरियंस क्रिएटर है तो उसे इंस्टेंटली मन में 5 से 6 बढ़िया टाइटल्स का आइडिया आ गया होगा। बट अगर तुम एक न्यू क्रिएटर हो तब तुम्हें अच्छे टाइटल सोचने में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब मैं चैट जीपीटी से बोलूंगा, आई एम मेकिंग अ यूट्यूब वीडियो वेयर आई शेयर माय स्टोरी ऑफ व्हाट हैपेंड व्हेन आई स्टॉप्ड यूजिंग इंस्टाग्राम फॉर 30 डेज। आई गॉट अमेजिंग बेनिफिट्स एंड आई वांट टू इंस्पायर अदर्स टू डू द सेम। सजेस्ट 10 क्लिकेबल टाइटल्स फॉर दिस वीडियो। प्रेस एंटर और तुम्हारे पास इंस्टेंटली 10 बहुत ही बढ़िया टाइटल्स आ जाएंगे, लाइक आई क्विट इंस्टाग्राम फॉर 30 डेज एंड हियर्स व्हाट हैपेंड, फ्रॉम इंस्टाग्राम एडिक्ट टू फ्री, माय 30 डे एक्सपेरिमेंट, My 30-day Instagram detox. The results will surprise you. Like literally, ये ऐसे titles हैं कि कोई भी बोल देगा कि किसी professional YouTuber नहीं लिखे होंगे। अब ये बस यहीं तक limited नहीं है। तुम चाहो तो ChatGPT को certain rules भी specify कर सकते हो। For example, अगर तुम एक shorts creator हो और चाहते हो कि तुम्हारी titles under 50 characters हो, तब तुम ChatGPT को बोल सकते हो कि suggest a title under 50 characters. और instantly वो तुम्हें 50 characters से कम की title suggest कर देगा। अगर मान लो तुम वीडियोस में 4 स्टेप्स शेयर करने जा रहे हो जिससे इंस्टाग्राम क्विट कर सकते हैं, तो तुम स्पेसिफाई कर सकते हो इंक्लूडिंग द वर्ड 4 स्टेप्स। और फिर से तुम्हारे पास बहुत सारे टाइटल्स आ जाएंगे जिसमें 4 स्टेप्स तो होगा ही होगा। एक लेवल और ऊपर चलते हैं, मान लो तुम्हारी टारगेट ऑडियंस थोड़ी हिंदी स्पीकिंग है और उन्हें ज्यादा इंग्लिश नहीं आती। ऐसे में अगर तुम बहुत कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश वर्ड्स का यूज करोगे लाइक ट्रैप, एंथुसियास्ट, ट्रांसफॉर्मेशन, तो शायद ऑडियंस उतना रिलेट नहीं कर पाए। ऐसे में तुम चैट जीपीटी को बोल सकते हो सजेस्ट अ टाइटल इन हिंग्लिश एंड चैट जीपीटी तुम्हें हिंग्लिश में लिखे हुए टाइटल्स दे देगा लाइक इंस्टाग्राम एडिक्शन से छुटकारा, 4-स्टेप गाइड। लिटरली चैट जीपीटी गेट्स एक्सट्रीमली क्रिएटिव। जितनी क्रिएटिविटी लगाओगे तुम्हें उतने ही क्रिएटिव टाइटल्स भी मिलेंगे। अब स्टेप 1 में तुम्हें टाइटल तो मिल गई बट क्वेश्चन ये है कि क्या तुम्हें उस टाइटल को यूज करना चाहिए भी कि नहीं। यहीं पे आती है स्टेप 2, ऑल्टरिंग द रॉ टाइटल। तो चैट जीपीटी ने तुम्हें जो टाइटल्स बताए हैं वो तुम यूज तो कर सकते हो बट उसमें कुछ चीजें अभी भी मिसिंग है जो एक अच्छे टाइटल लिखने के लिए जरूरी होती है। अगर तुम यूट्यूब के ऑफिशियल हेल्प पेज पर जाओगे तो तुम्हें ये 3 टिप्स मिलेंगी जो यूट्यूब ने खुद टाइटल लिखने के लिए बताई है। स्टार्टिंग विद टिप 1, बी एक्यूरेट। मेक श्योर योर टाइटल एक्यूरेटली रिप्रेजेंट्स द वीडियो, इफ नॉट व्यूअर्स मे स्टॉप वॉचिंग विच कैन इम्पैक्ट डिस्कवरेबिलिटी। बेसिकली तुम्हें ऐसा टाइटल सेलेक्ट करना है जो अच्छे से एक्सप्लेन करेगी तुम्हारी वीडियो किस बारे में। चैट जीपीटी तुम्हें जितने भी टाइटल सजेस्ट करे उसमें से कोई ऐसा टाइटल सेलेक्ट मत कर लेना जो तुम्हारी वीडियो को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करती है। टिप 2, बी सक्सिंक्ट। व्यूअर्स मे ओनली सी पार्ट ऑफ योर टाइटल, सो एम टू कीप इट शॉर्ट एंड पुट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स नियर द बिगिनिंग। सेव एपिसोड नंबर्स एंड ब्रांडिंग फॉर द एंड। बेसिकली कहा है कि तुम्हारे टाइटल्स में जो भी कीवर्ड्स हैं उन्हें टाइटल के स्टार्ट में रखो। इसके पीछे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई व्यूअर यूट्यूब पे बस ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा है तो वो तुम्हारी वीडियो के पूरे टाइटल को पढ़े ऐसा जरूरी नहीं है। उस केस में उसका ध्यान टाइटल के स्टार्टिंग के फ्यू वर्ड्स और थंबनेल पे जाएगा और उसी बेसिस पे उसका ब्रेन डिसाइड करेगा कि उसे तुम्हारी वीडियो देखनी है या नहीं। तो मान लो चैट जीपीटी ने मुझे जो टाइटल सजेस्ट किया उसमें से मुझे ये 3 पसंद आए। अब इसमें से अगर मुझे कोई एक सेलेक्ट करना हो देन आई विल डेफिनेटली गो फॉर द सेकंड वन, क्योंकि इसमें जो कीवर्ड है इंस्टाग्राम वो टाइटल के बिगिनिंग में है। पर ऐसा नहीं है कि चैट जीपीटी जो टाइटल बताए बस उसी को यूज करे। तुम्हें अगर 2 टाइटल्स में कंफ्यूजन है तो तुम दोनों को अच्छे से कंबाइन करके एक नया टाइटल बना सकते हो जैसा मैंने अपनी पहली वीडियो के लिए किया था। एंड फाइनली टिप 3, लिमिट ऑल कैप्स एंड इमोजी। Use them carefully to emphasize emotion or special elements in the video. For example, our kids built a robot.
मतलब तुम्हारा टाइटल पूरे कैपिटल लेटर्स में नहीं होना चाहिए। कैपिटल लेटर्स का यूज सिर्फ तब करना जब तुम्हें कोई इमोशन को एम्फसाइज करना है। लाइक मैंने अपने पहले वीडियो के टाइटल में जो सीक्रेट वर्ड है उसे बोल्ड में लिख रखा है क्योंकि आई वॉन्टेड टू एम्फसाइज दैट वर्ड एंड द फीलिंग्स रिलेटेड टू इट। ये सभी छोटी छोटी चीजें हैं बट साइकोलॉजिकली इसका भी बहुत इफेक्ट होता है। और YouTube ने ये भी कहा है कि इमोजीज को केयरफुली यूज करो। मैंने तो अपने टाइटल में इमोजीज का यूज नहीं किया क्योंकि टाइटल वैसे ही 72 कैरेक्टर्स की हो गई थी तो मैंने उसे और लेंदी नहीं किया। बट अगर मैं चाहता तो एक शशिंग फेस इमोजी का यूज कर सकता था एट द एंड क्योंकि वो सीक्रेट वर्ड के साथ बहुत अच्छे से मैच करता है। ऑन अ फाइनल नोट, चैट जीपीटी इज नॉट ऑलवेज परफेक्ट बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और अभी भी इम्प्रूव हो रहा है। बहुत सारे नीश